Hello. जी हाय गाइस, दिस इज ईशान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और आज हम जाएंगे उधर। उधर क्या है ये आपको पता चलेगा आगे वीडियो में। और अभी मैं आ रहा हूँ चांदनी चौक पे, एक नया एक्शन कैमरा लेना था जो कि मैंने ले लिया है। वीडियो क्वालिटी पता नहीं कैसी आ रही होगी इसमें, अब एडिटिंग के टाइम ही पता चलेगा क्योंकि सेटिंग मैंने इसमें कुछ करी नहीं है फिलहाल। और आज मैं मिलने वाला हूँ अपने कॉलेज फ्रेंड से, आज 3 साल बाद मिलेगा, तो देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन और लोग दोनों ही। और ये लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हो गाइस, यहाँ जाना है हमें और इसे कहते हैं मोनेस्ट्री मार्केट। कश्मीरी गेट में है ये बेसिकली, और यहाँ आपको अच्छे ब्रांडेड भी और कॉपी भी हर तरह के कपड़े मिल जाएंगे। बाकी अंदर देखते चलते हैं और क्या क्या है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था सारी पार्किंग यहाँ बाहर थी, बाइक और गाड़ियाँ सब यहाँ बाहर ही लगती थी, अब शायद अंदर कर दिया है। हाँ यहाँ से एंट्री है, तो ये जो सामने पूरा है ये पार्किंग एरिया है, यहाँ बाइक का है, बैक साइड में कार्स का है। ये नीम करौली बाबा जी का मंदिर है, अभी बाहर से ही हाथ जोड़ लेते हैं वरना अंधेरा हो जाएगा तो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाएगी। गाइस अब मैं आ गया हूँ मोनेस्ट्री मार्केट में, मतलब एंटर करा ही है, अब चलते हैं आगे को। और ये सारा मार्केट का बैक साइड है, पर यहाँ भी कुछ शॉप्स हैं, आ सकते हो आप यहाँ भी। ये एक छोटा सा मंदिर बना रखा है लॉर्ड बुद्धा का, बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ का जो मेन मंदिर है मोनेस्ट्री जिसे बोलते हैं, उसकी एंट्रेंस है, अंदर चल के देखते हैं कैसा है। काफी अच्छा सा एनवायरनमेंट है यहाँ पे, पेड़ पौधे लगा रखे हैं, फ्रेश एयर है, बड़ी अच्छी सी पॉजिटिव सी वाइब्स आ रही है यहाँ। नाइस। सो गाइस बहुत अच्छा है लगा यहाँ पे आके, काफ़ी शांति रहती है अंदर, आप अच्छे से मेडिटेट कर सकते हो, अगर टेंशन वेंशन हो तो यहाँ पे आके आधा घंटा बैठ जाओ, मस्त हो जाएगा आपका। तो चलते हैं अब तिब्बतन मार्केट की तरफ। यही है वो कमीना जिसके चक्कर में एक घंटा लेट हो गए और हेलमेट लगा के तो ऐसे घूम रहा है जैसे पीके का आमिर खान हो। और
गाइस मोनेस्ट्री मार्केट में एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये शूज की शॉप मिल जाएगी। इनपे शूज की ताबड़तोड़ वैरायटी है, स्पोर्ट शूज, स्नीकर्स, बूट्स, ऑफिशियल शूज, हर तरह के शूज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और 850 से स्टार्टिंग है, कोई ज्यादा बड़ी वो नहीं है, प्राइस नहीं है, तो मेरे ख्याल हर कोई ले सकता है, इतना अफोर्ड कर सकता है। बाकी देख लेना आप, अगर नेगोशिएट हो जाए थोड़ा बहुत। अब चलते हैं आगे की तरफ बाकी मार्केट एक्सप्लोर करने। यहाँ से बाकी सारी शॉप्स शुरू हो जाती हैं और ये है मेन एंट्रेंस मार्केट की। यहाँ पे आपको जीन्स, कार्गो और ट्राउजर्स में काफी वैरायटी मिल जाएगी गाइस। अगर आप रफ जीन्स भी पहनना पसंद करते हो तो उसमें भी बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी आपको। ये सामने आप जितनी भी जीन्स देख रहे हो ये सब 750, 950, 1150 जैसी रेंज में है। तो यहाँ पे आप ये बिल्कुल भी सोच के मत आना कि आपको सस्ते कपड़े मिलेंगे, बट एज पर पालिका एंड ऑल यहाँ पे आपको फैब्रिक अच्छा मिल जाएगा और क्वालिटी पालिका से 100 टाइम बेटर होगी। गाइस आप मार्केट में अंदर की तरफ आते रहोगे तो आपको बीच बीच में ऐसे कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। यहाँ पे ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 6 और यहाँ सामने वो शॉप है जहाँ कैप लटक रही है। यहाँ आपको अलग अलग तरह के चश्मे मिल जाएंगे, ब्रांडेड ओरिजिनल कॉपी, हर तरह के चश्मे मिल जाएंगे। और बेल्ट पे आते हैं, अब बेल्ट देखो आप, लेदर रैक्सिंग और डिफरेंट कलर्स की वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और बात करें पर्स की तो आपको यहाँ पर्स भी मिल जाएंगे, 250 से स्टार्ट है, अफोर्डेबल प्राइस है, कोई इतना हाई फाई नहीं है। इसमें भी आपको लेदर रैक्सिंग और अलग अलग तरह के कलर मिल जाएंगे। और इसके अलावा इनके पास है चश्मे लोकल में भी, दिखाता हूँ आपको। ये लोकल चश्मों में भी आपको लाल, पीले, हरे, नीले, काले, हर तरह के चश्मे मिल जाएंगे। और बेल्ट के बकल देखो कितने प्यारे प्यारे हैं। ये वाला ब्लेजर देखो कितनी रॉयल लुक दे रहा है, ब्लू कलर में है और एम्ब्रॉयडरी है, और जो कॉलर और स्लीव्स है वो कॉटराइज में है। ऐसा तड़कता भड़कता सूट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा और बस 1500 का है गाइस। अगर आप किसी शोरूम से लोगे ऐसा सूट तो आपको 5-7 हजार रुपए से कम का बिल्कुल नहीं मिलने वाला। ये यहाँ के ओनर हैं रोशन लाल जी, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस वगैरह शॉप का आपको ये कार्ड में दिख जाएगा। यहाँ पे आपको ऑल्ट्रेशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, ये भाई है यहाँ पे ऑल्ट्रेशन करते हैं और स्टार्टिंग है इनका 40 रुपीज से। जैसे अगर आपको नैरो वगैरह करवानी है तो 40 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। अब आ गया हूँ मैं वापस नीचे, दुकानें भी बंद होने लग रही हैं और लगभग लगभग आधे घंटे में सब
बंद हो जाएगा मार्केट, बहुत घूम ली, अब थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए, फिर चलते हैं घर को। तो घूम लिए, रिकॉर्डिंग कर ली, गर्मी इतनी हो रही थी, बैठे हुए हैं अभी एक रेस्टोरेंट में, काफी फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ, सारा तिब्बती फूड मिलेगा आपको। अभी अभी ऑर्डर किया है मोमोज वगैरह, तो देखते हैं कैसा बनता है। गाइस पहुंच गया हूं मैं घर और टाइम हो रहा है 9:30। मोनेस्ट्री मार्केट से मैंने ली 3 चीज़ें, एक प्रोबाइकर का ग्लव्स जो कि मैंने लास्ट टाइम अमेजन से लिया था तो मुझे 300 समथिंग का पड़ा था, बट मोनेस्ट्री से मुझे 250 का पड़ गया वो। और दूसरा मैंने लिया कार्गो पैंट, दिखाता हूँ, ये ली मैंने कार्गो 1000 रुपीज़ की। और तीसरा लिया मैंने मोबाइल फ़ोन का कवर, वो सस्ता ही था, वो 50 रुपीज़ का पड़ गया था मुझे। और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, इस अच्छा लगा हो तो प्यारे प्यारे कमेंट कर देना, नहीं लगा हो तो भी कमियां बता देना, अगली बार ध्यान रखूँगा उसका। नाउ साइनिंग ऑफ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, फिर मिलेंगे, चलते चलते हैं।